हेलो, मैं जेआर सक्सेना। आज मैं आपको होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाने वाला हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक विंडो ओपन की हुई मैंने होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। तो मुझे यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, उसके बाद मुझे ओके करना है। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो हमारे सामने फ्रंट ऑफिस की विंडो निकल के आती है, जहाँ पर हमारे रूम्स का स्टेटस दिखता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रूम्स कैसे ऐड करते हैं। आपने मास्टर पे क्लिक करना है, उसके बाद रूम्स में जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास डिलक्स 101, 102 डिलक्स, 201 सुपर डिलक्स और 301 सूट यहाँ पे पहले से ऐड किए हुए हैं। तो अगर हमें एक और रूम ऐड करना है, जैसे हमारे पास 101, 102 है, 201 और अगर हमें 202 ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप रिसेट कीजिए और यहाँ पे 202 एंटर करने के बाद आपने रूम टाइप बताना है। तो ये सुपर डिलक्स, उसके बाद सिंगल ऑक्युपेंसी बतानी है। तो ये यहाँ पे रहेगी 2000। ओके, आफ्टर दैट आप जाइए, सेव कीजिए। सेव करने के बाद यस कीजिए, देखिए आपका रूम 202 क्रिएट हो गया है। तो ऐसे ही अगर आपने 102 का रेट अप करना है या डाउन करना है, तो आपने इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके आपने इसको एडिट करना है और उसके बाद अपडेट करना है। पासवर्ड जो है मैं डाल देता हूँ और ओके करता हूँ, यस करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे चेंज हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं बुकिंग पे, जहाँ पे हमने किसी की बुकिंग लेनी है। तो आप बुकिंग पे क्लिक कीजिए, होटल बुकिंग पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास 002 आ रहा है, तो इसका मतलब है 001 पहले बुक हो चुका है। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिसेट यस। तो यहाँ पे कस्टमर नेम, उसका एड्रेस, ओके, सिटी, डेट और सोर्स। अगर आपको किसी एजेंट ने दिया है या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू आपको आया है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट डाल देता हूँ कि ये बुकिंग मुझे वेबसाइट से मिली है। देखिए यहाँ पे बुकिंग डेट, जो जिस डेट में हम बुक कर रहे हैं, और ये फ्रॉम टू, देखिए आपका चेक इन कब होने वाला है। तो मुझे बुकिंग 6 से लेकर 8 तक देनी है, तो ये मेरी बुकिंग होगी। एज कितनी है, ओके, और उसका जेंडर क्या है, ओके, एडल्ट कितने हैं उनके साथ, किड्स कितने हैं, और ये मोबाइल नंबर उनका। ईमेल, ओके, नेशनलिटी, यहाँ पे इंडियन, या अगर आपका दूसरा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। उसका पासपोर्ट नंबर, कोई भी आइडेंटिटी ले सकते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट, वीज़ा के लिए भी कॉलम बना हुआ है, वीज़ा के लिए भी हमने पासपोर्ट नंबर डाल दिया। तो यहाँ पे हमें उनको रूम देना है, कौन सा रूम उन्होंने बुक किया, सुपर डिलक्स, ओके, 201, 202। हमारे पास दो रूम हैं, तो इनमें से कौन बुक चल रहा है अभी, देखिए दोनों अवेलेबल है, कोई भी बुक नहीं। 202 को हम बुक करते हैं, ये यहाँ पे आ गया, बुक हो गया। तो उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। सेव बुकिंग इन्फॉर्मेशन, यस, रिसेंट ऑल इन्फॉर्मेशन। तो ये था बुकिंग का। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा गेस्ट रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जैसे आपने बुकिंग की थी 002 की, हम की थी हमने बुकिंग, इस पर क्लिक किया तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 202 रूम नंबर हमने उनको दिया था, इस पर डबल क्लिक करना है। इस पर रेट मेंशन अगर आप हाई करना चाहते हैं या लो करना चाहते हैं, ओके करना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे बुकिंग में चला गया। अगर उसने कोई अमाउंट उस वक्त पे किया है तो वो भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे। ये भी डेट 30/7/2019 को
3,000 इसने पे किया हुआ है। सो या तो अगर आपके पास उनकी कोई फ़ोटो है, आप यहाँ पे फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी फ़ोटो लगा देता हूँ अभी। ओके, तो उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। यस एंड यस। ओके, मैं फ्रंट ऑफिस पे क्लिक करता हूँ और हमने जो अगले महीने की डेट दी हुई है 6/8 की, मैं 6 पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए 6 पे जो है हमारा 202 रूम नंबर जो है हमने जो रिज़र्व किया था, यहाँ देखिए ये रिज़र्व का है, रिज़र्व और बुक का है, ये हो चुका है। तो बाकी भी ऑप्शन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर दिस वन, तो इस तरह से हमने ये मेंशन किया हुआ है।